नमस्कार, मैं हूं श्रेया और इंडियन होम डी आई वाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जटामासी के बारे में, और इस सीरीज़ का मैंने नाम दिया काम की बात। यदि आप भी किसी जड़ी बूटी या किसी अन्य विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी बना के लाने के लिए। तो आज का विषय है जटामासी। दोस्तों, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। जटामासी के बारे में जानने के लिए अनुरोध किया था रजनी गर्ग जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं जटामासी के बारे में। तो आप ये देख रहे हैं, ये है जटामासी के नीचे का तना। ये दरअसल जहाँ से पौधा जमीन से बाहर निकलता है उसके तने के साथ बाहर आते हैं, और ये बीच में जिसे मैं अब तोड़ के अलग कर रही हूँ, इसकी कोपले हैं, ये ऊपर जाके पत्तों में बदल जाती हैं। तो दरअसल जो आप जटामासी के जो पतले पतले धागे देख रहे हैं, ये प्याज के जैसे इसकी कोपलों को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इसकी कोपले ऊपर जाके पत्तों में बदल जाएं। पर ये जो इसके पतले रेशे हैं ये बहुत काम के हैं, इनसे कई तरह की औषधियाँ बनती हैं और ये बहुत सारे विकारों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये जो अंदर तना होता है कुछ इस तरह का होता है, अगर ऊपर से आप बाल यानी इसके रेशे हटा देंगे तो ये थोड़ा इस तरह से टूटने में मुश्किल लेता है, लेकिन इसके अंदर जो आप भूरे रंग का हिस्सा देख रहे हैं वो दरअसल जो पत्तियां पनपती हैं उसका रस है। तो इसे पत्तियां निकलने से पहले तोड़ लिया जाता है औषधि बनाने के लिए, और ये जो अंदर आप भूरा हिस्सा देख रहे हैं ये कई तरह की औषधियों के काम में आता है, जिसमें आपका पाचन शक्ति के लिए इससे चूर्ण बनना, तनाव को दूर करना, डिप्रेशन और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। यानी जटामासी का उपयोग खाली बालों के लिए नहीं होता बल्कि बहुत सारे विकारों के लिए इसे काम में लिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप जटामासी का लेप दूध के अंदर लगाते हैं तो ये झाइयों को दूर करने के लिए भी काम में आता है। तो बहुत जो महंगी जिसे कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन है, जो लोग घरों में बना के सप्लाई करते हैं, उसमें जटामासी का लेप चेहरे के लिए भी दिया जाता है। जटामासी को उपयोग में लेने के कई तरीके हैं, लेकिन सामान्य रूप से इसको सुखा के और पाउडर बना के काम में लिया जाता है। ये मैं आपको पास से जटामासी दिखाने का प्रयास करती हूँ, आप नोटिस करेंगे कि एकदम वैसे ही लग रही है जैसे हमारे ऋषि मुनियों की जटाएं होती हैं, इसीलिए इसे जटामासी कहा जाता है। इसके अलावा इसे बाल छड़ भी कहा जाता है। यानी और अब चलिए फटाफट बात कर लेते हैं किस किस काम में लिया जा सकता है। बाल बढ़ाने के लिए, गंजापन रोकने के लिए, झाइयाँ दूर करने के लिए, पीरियड्स के लिए, अनिद्रा के लिए, हृदय संबंधित बीमारियों के लिए आप इसे काम में ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ ओरल एप्लीकेशन के लिए ही अपने आप बनाएं। अगर बाकी औषधियों के लिए आप काम में लेना चाहते हैं तो वैद्य जी की सलाह से या बनी बनाई अगर इस तरह की दवाइयाँ आपको मिलती हैं तो आप काम में लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि बालों के लिए कैसे काम में लें, तो आप इसे सुखा लें बाज़ार से लाने के बाद में, अच्छे से पाउडर में कन्वर्ट कर लें और दूध में दही में इसको भिगो लें या सादे पानी में भिगो लें और बालों की जड़ों में इसे अच्छे से मालिश करें। लगातार 1 से 2 महीने के मालिश आप रोज़ करते हैं तो आपके बालों में आश्चर्यजनक रूप से तेज़ी से वृद्धि होने लगती है, गंजापन दूर करता है, ऐसे में सफ़ेद जो बाल हो जाते हैं बच्चों को उन्हें वापस से काला कर देता है। इस अगर आप वैद्य की सलाह के बगैर इसका उपयोग करते हैं तो इससे आपके गुर्दे खराब होने यानी जो है किडनी खराब होने का डर रहेगा, या आपको हाई ब्लड प्रेशर और पीरियड्स में इरेगुलरिटी भी हो सकती है, तो विशेष आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है जटामासी का उपयोग और इसको किस तरह पहचाना जाता है आपको मैं बता पाई हूँ। अगर आप भी इस तरह के कोई टॉपिक जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी ज़रूर बना के लाने का। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगें और स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूँगी नए यूट्यूब वीडियोज़ के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।